हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एचटीएमएल में फॉर्म बनाने के लिए। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में आपको बताया भी था फॉर्म बनाने के लिए कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ऐसे कुछ फॉर्म क्रिएट करने के लिए, मतलब हम लोग यहाँ तक बनाए थे। क्लियर है ना? हाँ, इसके आगे हम चाहते हैं ना क्या दे पाना, किसके आगे मदर्स नेम दे पाना, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और भी सारा डिटेल हम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपने कोड पर। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कोड किया था, यही है ना? हमने यहाँ से यहाँ तक कोड करके हमने बना लिया था अपना इतना फॉर्म। क्लियर है ना? और देखिए, इस पे आने के बाद से कोड पे, अब ये तो रो हमारा कंप्लीट हो गया है, फादर नेम वाला रो कंप्लीट है ना। अब इसके नीचे हमको क्या करना होगा, एक और रो बनाना होगा। एक और क्या बनाना होगा, और इस रो के अंदर हम एक और दे देंगे क्या, टीडी, यानी कि टेबल डेट। अब इसमें हम टाइप कर दें क्या, मदर्स में क्या दे दिए, मदर्स कॉलन कर दे ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। एक कॉलम तैयार, फिर इसके आगे एक और कॉलम तैयार कर ले, किसका, टीडी। और टीडी के अंदर इस बार क्या लिख दिए, इनपुट टैग लगा दिए। और इनपुट के अंदर क्या देना है, टैक्स, क्योंकि मदर नेम में टैक्स ही टाइप करना होगा ना। और उसके आगे हम यहाँ पे दे दिए क्या, पहले होल्डर, क्या दे दिए, पहले। और पहले होल्डर में हम टाइप कर दिए टाइप एयर, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गया, आउट आ गया ना। अब इसके बाद हम देते हैं क्या, डेट ऑफ बर्थ, क्या दे दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए हम यहाँ पे कर लिए, एक और रो बना लिए, और इस रो के अंदर एक और क्या लिख दिए, टेबल। और इसके अंदर हम लिख दिए डेट ऑफ बर्थ। क्या क्या लिख दिए, डेटा कॉलम कर देते ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। एक हमारा कॉलम तैयार है ना, और अगले कॉलम हम लिख देते हैं टेबल डेटा, और इस कॉलम हम लिख देते हैं क्या, इनपुट। क्या लिखेंगे, तो इस बार क्या हमको टेक्स्ट लिखना होगा, इस बार हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और डेट लिखने उस फिर कंट्रोल जैसे क्या कर लेना, सेव। और अब आ जाना है कहाँ पे, आउट। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के सामने क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना? चाहे तो आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। और जैसे आपको जो भी लेना हो, सपोज कि हम आज ही का डेट ले लिए, क्लिक कर दिए, आज का आ गया ना, 18 जनवरी 2000, हो जाएगा ना। अब चलिए दोबारा से हम यहाँ आते हैं, अगला हम दे देते हैं इसका एज, कि टोटल ये कितने साल का हो चुका है। ये अगर जो देना है तो उसके लिए एक और हम रो टाइप करेंगे, टी आर टैग, और इसमें हम टाइप कर लिए क्या, एज कॉलन कर। इसको किसमें लिखना होगा, इसमें टेबल डेटा में लिखना होगा ना, टेबल डेटा टाइप कर लिए एज, और एज के बाद से एक और टेबल डेटा बना लिए। इसमें क्या लिखना होगा, इनपुट, क्या लिखना होगा, और यहाँ पे हमको नंबर ही टाइप करना होगा ना, हम यहाँ पे नंबर टाइप कर लिए। क्या टाइप कर दिए, हाँ एक और ध्यान दीजिएगा, नंबर में अगर जो हम चाहें तो यहाँ पे हम देते हैं मिनिमम, यानी कि मीन कर देंगे, क्या कर लेंगे, मीन। कम से कम कितना एज होना चाहिए, तो कम से कम हम टाइप कर दिए 18। कम से कम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कर दिए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कर दिए 25, हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव, और अब आगे कहाँ पे, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा हो। देखिए, हमें स्टार्ट करना है ना, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हाँ और लेके जाएंगे हाईएस्ट को कहाँ तक जाएगा, उसके आगे लेके जा रहा है। और अगर जो कम करेंगे तो, और जब खुद से टाइप करने की भी कोशिश करेंगे, देखिए इसके आगे एंटर नहीं होगा, टाइप तो कर लिए लेकिन इसके अगले वाले सेल में नहीं होगा। लेकिन वही अगर जो हम यहाँ पे 19 करके एंटर करें, अपने आप ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लगाने का मतलब समझा रहा है ना। टाइप करेंगे क्या, टाइप में ले लेंगे नंबर,
और नंबर में हम क्या ले लेंगे, मिनिमम और मैक्स, हो जाएगा ना। हाँ चाहे तो आप पहले सोल्डर भी दे सकते हैं, क्या दे देंगे इसमें पहले टाइप कर दिया यहाँ पे, टाइप टाइप एज, बस इतना ही रहने, टाइप सेव कर लिए, और सेव करके फिर हम कहाँ पे आ गया था? दिख रहा आपको ना, टाइप एज हो जाएगा ना, तो ये हो गया एज। और एज के बाद से एक और हम देना चाहते हैं इसमें जेंडर, क्या दे देते हैं जेंडर, तो यहाँ पे आ गया। तो ये तो रो हमारा कंप्लीट है ना, ये वाला रो कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके नीचे एक और हमको क्या बनाना होगा, टेबल रो, और उसके नीचे हम बना लिए टेबल, इसमें क्या लिख दिए जेंडर, कॉलम कर देते, जेंडर हो गया। फिर उसके नीचे आ जाएंगे, इसी के नीचे लिखना होगा टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हम क्या लिखेंगे इनपुट, क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हमको लिखना होगा रेडियो, क्या लिखना होगा रेडियो, लिखने जानते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आते हैं इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद समा जाते हैं आउटपुट, सिर्फ आपका ऐसे एक बटन दिख रहा है ना, रेडियो दिख रहा है ना, इसमें हम क्या कर दिए, इसके बाहर हम यहाँ लिख दिए किसके लिए, क्या लिख दिए, फिर हम एक और लिख लिए इनपुट, इस बार भी क्या लिख देंगे रेडियो, और बाहर क्या लिख दिए फीमेल, अरे कंट्रोल यस से सेव, और अब आ गया आउटपुट, तो आपको मेल और फीमेल दोनों दिख रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी, अगर जो एक पे क्लिक करें तो दूसरे पे हट जाए, ऐसा हमको करना है ना, क्योंकि अभी एक पे क्लिक कर देख रहा है, दूसरा अपने आप क्या हो जा रहा है, हो जाएगा ना। तो उसके लिए आप जब कोड में आएंगे ना, तो कोड में दोनों के अंदर आपको लिखना होगा वैल्यू, क्या लिखना होगा वैल्यू, में इसके लिए भी कर दीजिए क्या जेंडर, क्या कर दिए, और नीचे वाले में भी हम चले गए, और यहाँ भी लगा दिए क्या, और यहाँ भी कर दिए जेंडर, हो जाएगा ना। कंट्रोल से कर लेंगे सेव, और अब आ जाएंगे कहाँ पे, अब देखिएगा मेल, और फिर इधर आ गए, अभी आपके काम कर रहा है जी। साथ इसके लिए पहले मेल लिख लें, और इसके नीचे वाले के लिए फिर शायद हो जाए। आपके साथ आईडी, आईडी नहीं, आईडी तो उसके लिए लगाएंगे ना, लेबल के लिए, लेबल के लिए आईडी लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं ना, बस वैल्यू के जगह पे आपको क्या कर देना होगा, नेम कर लेना, क्या लेना होगा नेम, और नेम के अंदर लिख लिया जेंडर, क्या लिख लेंगे यहाँ पे जेंडर लिख लीजिए, फिर नीचे वाले में भी क्या कर देंगे वैल्यू के जगह पे नेम करेंगे, और नेम के बाद से आगे हम क्या लिख लेंगे इसमें जेंडर, कंट्रोल यस से सेव, और फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे आउट। अब देखिए हम क्लिक करें किस पे मेल, और फिर आ गया फीमेल, मेल का अपने आप हट गया, अब किस पे लग गया फीमेल, अब फिर आ गया किस पे हट जा रहा है ना। हाँ एक और हम देना चाहते हैं, कौन सा, ट्रांसजेंडर, एक और इसमें हम देना चाहते हैं किस चीज का ट्रांसजेंडर, उससे यही कंटेंट हम ले लेंगे नीचे भी, लेकिन जहां पे हम ये आईडी के बाहर जो नेम लिखे हैं इसको हटा क्या लिख देंगे ट्रांसजेंडर, क्या लिख दिए ट्रांस, कर कंट्रोल एस से क्या कर ले, यस ही रहेगा ना, कंट्रोल एस से सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए आउट, अब दिख रहा है ना मेल फीमेल या फिर ट्रांस। हाँ लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर देखो मेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ये चेक नहीं हो रहा, फीमेल के ऊपर क्लिक कर चेक हो रहा है, ट्रांसजेंडर के ऊपर आ रहा है क्लिक कर रहे हैं चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन वही अगर हम यहाँ चेक बॉक्स पे आ रहे हैं, यहाँ रेडियो बटन पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे काम कर,
अरे समझे ना, ध्यान रखिएगा कभी, चूंकि अगर जो हम यहाँ पे क्या लगाए, एक टैग लगाए नेम का, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया किसका, नेम का। अगर ये नेम नहीं रहेगा ना, तो तीनों एक साथ यहाँ पे चेक होगा, तीनों एक साथ क्या होगा, चेक। वही जैसे हम यहाँ पे नेम लगा दिए हैं, तो नेम लगाने से हमको बेनिफिट क्या मिला है कि जिस पे क्लिक करेंगे वही चेक होगा, दूसरा अपने आप सिलेक्शन क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद से एक चीज और हम चाहते हैं इसमें, और दूसरा चीज क्या है कि अगर हम ये नाम पर भी क्लिक करें ना, तो भी हमारा बॉक्स क्या हो जाए चेक में हो, यानी कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, लेबल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, इनपुट आप यहाँ पे ओपन किए हैं ना, इसके ऊपर लिखिए क्या, लेबल क्या लगाना होगा, लेबल। लेवल के लिए देखिए फॉर आया है ना, कि आप ये लेवल किसके लिए देना चाहते हैं, तो लेवल जो क्लोज हो रहा है ना, ये जो लेवल जो क्लोज हो रहा है, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, और जहां पे आप मेल लिखे हैं इसके बाहर लग क्या कर लीजिए, ताकि मेल में, मेल में हम देना चाहते हैं पहले किसके लिए दे दिए, कंट्रोल यस से कर लीजिए सेव। और अब आ गया आप देखिए, अभी काम नहीं करेगा, कर्सर चेंज हो गया है, दिख रहा है ना, पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया, लेकिन अभी काम कर रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है ना, कब काम करेगा, कि जब हम ये लगाएंगे, आखिर लेवल किसके लिए है, अरे समझे ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे आईडी, क्या लगाएंगे, और आईडी मेल है ना, तो शॉर्ट नेम दे देते हैं यम, शॉर्ट नेम क्या दे दिए, तो ये लेवल किसके लिए है, यम के लिए, किसके लिए है, यम के लिए, कंट्रोल यस से क्या कर ली सेव। सेव करने के बाद से हम आगे फिर कहाँ पे आओ, अब देखिएगा इन सब पे क्लिक करने से कर्सर भी चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ, क्लिक चेक हुआ, हो जाएगा ना। हाँ फिर एक बार हम आउटपुट में आते हैं, इसमें कोड में आते हैं, वैसे सबके साथ करना होगा ना, सबके लिए हम क्या करेंगे, लेबल लगाते जब, यहाँ पर भी लगाएंगे लेबल फॉर, यानी कि फीमेल है ना, तो फीमेल के लिए हम देते हैं यफ, फीमेल के लिए क्या दे दिए, और जो लेवल क्लोज हो रहा है इसको हम रख लिए कहाँ पे, फीमेल के पास, और यहाँ पे एक और लगा लेना होगा हमको क्या, आईडी, और आईडी के अंदर क्या देना होगा, हो जाएगा ना, कंट्रोल यस से कर लिए सेव, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए, हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब अभी ट्रांजिस्टर, ये ट्रांसजेंडर पे नहीं हो रहा है, ट्रांसजेंडर पर भी लगाना है, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, जो फीमेल के लिए हम लेबल लगाए हैं ना यहाँ से, इसको भी रखेंगे किसमें, लेबल, और फार ये दे दिए किसके लिए, टी के लिए, और जो लेबल क्लोज हो रहा है इसको हम लेके आ गए यहाँ, हो जाएगा ना। इसके अंदर क्या हम आईडी बिना लगाए काम करेगा, ये बिना आईडी लगाए काम नहीं करेगा, तो हम लगा लेंगे क्या, आईडी में क्या लिखेंगे, टी, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ जाएगी, अभी हमारा टोटली जेंडर वाला सेल बन गया, क्या है तारीख, क्लिक करिए ट्रांसजेंडर फीमेल, या फिर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अगर जो हम क्या कर रहे हैं किसी सपोज करिए हाई स्कूल या इंटर के लिए बना रहे हैं, आया समझे ना, अगर जो 9-10 के लिए बना रहे हैं तो 9-10 ले सकते हैं, 11-12 के लिए बना रहे थे 11-12 ले सकते हैं, या फिर अगर जो आप बना रहे हैं क्या, सपोज करिए कि हम किसी कोर्स के लिए बना रहे हैं, अपनी संस्था के लिए अगर बना रहे हैं, कोर्स देना होगा ना, तो कोर्स के लिए हम लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट दे सकते हैं, क्या दे देंगे, और ड्राफ्ट डाउन लिस्ट देना आप लोग पढ़े हैं ना, कोड पे आइए, और कोड पे आने वाले इस रो के अंदर आ जाइए, लिखिए इक्वल टू, पहले क्या देना होगा यहाँ पे, टेबल, टेबल रो के अंदर आपको क्या देना होगा, टीडी, और इसके अंदर हम दे दिए सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स कॉलन कर दिया, कि जो आपका कोर्स है आप उसको क्या कर लीजिए कॉलन, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम हम कर दिए टेबल डेटा, और यहां कर दिए क्या,
इनपुट क्या देना होगा, सेलेक्ट, क्या देना होगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट में नेम और आईडी फिलहाल अभी हमको कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद हमको पहले क्या देना होगा, ऑप्शन देना होगा। पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहां पर भी लिख देंगे कोर्स, वैल्यूम क्या लिख दिए, और यहाँ पे हम ऐसे पहले कर लिए और फिर लिख दिए क्या, हाँ क्या लिख दिए, हो जाएगा ना। पहला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कोर्स, फिर नीचे आप लिख लीजिए ऑप्शन, और ऑप्शन में लिख लीजिए यहाँ पे डीएफए, तो इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, डीएफ, पहला हो गया। चलिए इसी को हम थोड़ा सा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर ले ताकि बार बार टाइप ना करना। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, अब सबका कोर्स का नाम चेंज कर दिए, कर दिए एडीएफ, तो यहाँ भी क्या रहेगा, एडीएफ, यहाँ कर दिए क्या, डीसीए, तो यहाँ भी क्या रहेगा, डीसी, और नीचे कर दिया हम एडीसीए, तो यहाँ भी क्या रहेगा, एडीसीए, तो अच्छा यहाँ भी क्या रहेगा, एडीसी, हो गया। और आगे एक और लास्ट इसमें टाइप कर दें फिलहाल क्या, ट्रिपल्स, ट्रिपल सी, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ट्रिपल्स, कंट्रोल या सी, सेव, और फिर हम आ गए आउटपुट। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा सेलेक्ट योर, कौन सा कोर्स है, देखिए कोर्स आ गया ना, क्लिक करिए तो आपको दिख जाएगा डीएफए, जो चाहिए हम यहाँ क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसके आगे हमको क्या देना है, अपना इनका ईमेल आईडी भी चाहिए, फोन नंबर भी चाहिए, क्या चाहिए, फोन नंबर और ईमेल आईडी। देखिए फोन नंबर के लिए हम यहाँ पे एक अलग टेबल रो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, टेबल, इसके अंदर टेबल डेटा, और इसके अंदर लिखेंगे क्या, फोन नंबर लिख दें, फोन नंबर कर दिया यहाँ पे ऐसे, कॉलन कर दी, और बाहर आ गए, एक और टैग लगा दिए, कौन सा, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, इनपुट, क्या लिखेंगे, और इनपुट के अंदर सिर्फ हम कर देंगे क्या, टीईएल, टेलीफोन, यहाँ पे टीएल का मतलब क्या होगा, कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव, और फिर अब आ जाएंगे कहाँ पे, आउट। अब आपको ऐसे बॉक्स दिख रहा है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पहले फोल्डर लगा लेना है, क्या लगाना है, पहले फोल्डर, और पहले फोल्डर हम क्या लिख लेंगे, टाइप योर नंबर, या फिर टाइप हेयर सिर्फ लिख देते हैं, सेव, और फिर आगे कहाँ पे, आउट, हो जाएगा ना, इतना कर ले जाएंगे ना। तो ये इतना पहले नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज, आप लोग को समझना होगा ये लेवल हम लोग क्यों लगाए हैं, लेकिन लेवल के लिए आईडी जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। पिछली क्लास हम लोग कहाँ तक लिखे थे, यहीं से लिखना है ना, अच्छा।